उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी तीन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वालों की सरकार और एक से बढ़कर एक इनकी योजनाएं जो नजर ही नहीं आई। आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी, यहाँ तो योजनाएं ही मिस्टर इंडिया हो गई है। और इसी में एक योजना ये लाए थे महिलाओं का अपमान करने के लिए, महिलाओं को कहने के लिए कि अपनी जगह को पहचान लो, तुम पैर की जूती हो। महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में ये लाए थे घसियारी योजना, उसकी लॉन्चिंग करने के लिए अपने इवेंट मैनेजर नंबर 2 यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आए थे। और जब वो यहाँ आए तो अपने भाषण में तमाम तरह की बातें करी थी माहौल को खराब करने के लिए, और उसी के बाद वो धर्म संसद भी हुआ। मगर आज जानना चाहती हूँ उस घसियारी योजना के बारे में। धामी जी, आप तो जो कहते हैं वो होता नहीं और केवल झूठ कहते हैं। क्या आपने कहा नहीं था कि घास बेची जाएगी कंट्रोल की दुकानों से? तो कौन से कंट्रोल की दुकानों से बेची जा रही है घास और कहाँ पे बेची जा रही है घास और किसने खरीदी है घास? एक कोई महिला इस प्रकार की आप हमें बता दीजिए। दूसरी तरफ घसियारी योजना के तहत ये देखिए कैसा बेवकूफ बना रहे थे, इन्होंने कहा था एक तरफ बेची जाएगी घास और दूसरी तरफ महिलाओं को दिया जाएगा कुछ पैकेट जिसके अंदर होंगे कुछ औजार ताकि वो घास काट सके। अरे भाई, जब घास बेची जानी है तो महिलाएं घास काटने क्यों जाएंगी? मतलब आपने लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। इसके अलावा घास आप कह रहे थे कि सस्ते दरों में बेची जाएंगी, कहा कि जो मुफ्त में घास मिलती है ना वो सस्ते दर का मतलब क्या होता है? 1 रुपए प्रति किलो। अरे भाई, सस्ता तो 0 से सस्ता 1 तो नहीं हो सकता भाई। आपको नंबर लाइन पता है, 0 के इधर होता है -1 और 0 के इधर होता है +1। तो भाई आपको तो कहना चाहिए था कि हम आपको 1 रुपया भी देंगे और घास भी देंगे, तभी तो होगी सस्ती घास। मगर आपकी गणित का तो क्या कहना। मगर आज तो मैं धामी जी से जानना चाहती हूँ कि घास वाली दुकान कहाँ है। धामी जी, वो घसियारी योजना पे जो पैसा बर्बाद किया वो पैसा जनता का था, जवाब तो आपको देना पड़ेगा।